हाँ तो गाइस, आज के इस वीडियो में फिर से मेरे पास में है ये मीवी का नया TWS मीवी ड्यूपोर्ट्स K7। भाई रिसेंटली में भी मीवी ने इसको लॉन्च किया है, 999 के प्राइस में लॉन्च किया है। अच्छे खासे फीचर 999 के प्राइस में आपको मिल जाते हैं। और भाई मैंने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो कम्प्लीटली सब कुछ टेस्ट करके अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं आपने अनबॉक्सिंग नहीं देखी तो। बाकी इस वीडियो की अगर मैं बात करता हूं तो भाई इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर ये जो प्रोडक्ट है ना वो आपको बाय भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने अच्छे से समझा दिया था, लेकिन फिर भी काफी सवाल कर रहे हैं भाई अभी इसका जो प्राइस है ना वो 1500 रुपए हो गया है, तो क्या हमको 1500 की प्राइस में इसको बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और भाई मैंने इसको यूज करते हुए कम से कम 3 दिन समथिंग हो गए हैं और कुछ मुझे चीजें सामने मिली है कि क्या क्या चीजें आपको इसमें दिक्कत आ सकती है अगर आप इसको यूज करते हो। तो मतलब कि 3 से 2 दिन 3 दिन का जो एक्सपीरियंस मेरा रहा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर एक्चुअल में प्रोडक्ट में हमको क्या क्या चीजें अच्छी देखने मिलती है। तो अनबॉक्सिंग तो करेंगे नहीं, देखो भाई सबसे पहले बात आती है केस की। तो भाई देखो केस की जो क्वालिटी है ना वो अच्छी खासी आपको देखने मिल जाएगी, कोई भी केस की क्वालिटी में आपको नहीं मिलेगी। देन यहां पर स्क्रेचेस वगैरह भाई आपको मिलेंगे क्योंकि अभी प्रोडक्ट नया है, इसके जो कवर वगैरह हैं वो अभी आए नहीं है, केस पर आपको स्क्रेचेस मिलेंगे। तो आप एक काम कीजिएगा, इस पे आप लेमिनेशन यूज कर सकते हैं ताकि स्क्रेचेस वगैरह ना पड़े, विदाउट स्क्रेच के आप इसको यूज कर सके। बाकी काफी ज्यादा ग्लोसी फिनिश है तो स्क्रेचेस आएंगे एंड काफी स्लिपरी भी हाथ में है, क्योंकि अगर आप इस पे लेमिनेशन करते हो तो भाई थोड़ा स्लिपरी कम हो जाएगा, अभी स्लिपरी काफी ज्यादा है, हाथ से गिरने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। और भाई यहां पर प्लास्टिक यूज किया गया है तो ऐसा नहीं है कि भाई टूटेगा नहीं, अगर ज्यादा ऊपर से गिरता है तो टूट भी सकता है। बाकी जो बिल्ड है वो अच्छा खासा है, टाइप सी पोर्ट सपोर्टेड है, फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। और अगर मैं बात करता हूं इसके बर्ड्स की, तो भाई जो बर्ड्स की क्वालिटी है वो अच्छी है, लेकिन एक चीज की मुझे फिर से कमी लगी कि इसमें आर और एल ना तो केस पे और ना ही बर्ड्स पे आपको मेंशन मिलता है कि आर वाला कौन सा है, यानी कि राइट कान में आपको कौन सा डालना है और लेफ्ट में आपको कौन सा डालना है, वो कहीं पर भी मेंशन नहीं है। बाकी जो बर्ड्स की क्वालिटी है वो अच्छी है, बर्ड्स भी आपको स्लिपरी मिलेंगे, पर यार एक बात है ना कि बर्ड्स पे आप कोई भी चीज यूज नहीं कर सकते, ना तो कवर और ना ही लेमिनेशन, तो थोड़ा बहुत आपको खुद से ही ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी भाई इसमें आपको मिल जाता है 50 घंटे का बैटरी बैकअप, मैं 2-3 दिन से यूज कर रहा हूं, मुझे बैटरी बैकअप में कोई भी इशू नहीं मिला, अच्छा खासा बैटरी बैकअप चल जाता है और काफी कम टाइम में पूरा कंप्लीटली फुली चार्ज भी हो जाता है, तो बैटरी बैकअप से कोई भी शिकायत नहीं है, अच्छा खासा बैटरी बैकअप आपको देखने मिल जाता है। बाकी एक चीज मुझे लगी इसकी कनेक्टिविटी सिस्टम में, क्योंकि 5.3 आपको मिलता है लेकिन यहां पर आपको IWB का सपोर्ट नहीं मिलता है, यानी कि अगर आप इसको खोलते हैं तो आपके फोन से ये कनेक्ट नहीं होता है, तो ये मुझे थोड़ा बहुत इसमें कमी लगी, ये चीज होनी चाहिए थी। बाकी कनेक्टिंग में भी थोड़ा बहुत स्लो है, जब आप इसको कनेक्ट करते हैं अपने फोन से तो थोड़ा डिले होता है, थोड़ा टाइम लगता है, बाकी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि भाई होता नहीं है, हो जाता है लेकिन थोड़ा बहुत डिले होता है, जब 5.3 है तो थोड़ा फास्ट होना चाहिए था लेकिन वो आपको यहां पर नहीं मिल रहा। बाकी चीजें ठीक है, टच कंट्रोल काफी तगड़े हैं, काफी फास्ट है टच कंट्रोल, गूगल असिस्टेंट, सीरी वगैरह सब कुछ आप इसमें एक्सेस कर सकते हो। एंड यहां पर देखो साउंड अच्छा है, साउंड में मुझे कोई भी इशू नहीं लगा, साउंड बढ़िया है एंड यहां पर कूलिंग भी आपको काफी बढ़िया मिल जाएगी, कूलिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज मुझे लगी इसके गेमिंग में काफी कमी मुझे लगी, इसमें कोई इतना तगड़ा वाला गेमिंग तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप नॉर्मल गेमिंग करते हो कैजुअली, मतलब कि जो टाइम पास के लिए होती है, तो आप इसमें कर पाएंगे। बाकी अगर आप नेक्स्ट लेवल यानी कि बहुत हैवी गेमिंग करना चाहते हो, बिल्कुल एकदम सभी चीज आपको टाइम पर चाहिए, तो वो आप इसमें नहीं कर पाओगे। तो भाई गेमिंग के लिए अगर आप स्पेसिफिक गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो फिर अलग से दूसरा TWS आप ले सकते हैं, ये वाला मैं गेमिंग के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। तो भाई देखो सारे फीचर्स मैं आपको बता चुका हूं, क्या कमी है क्या नहीं है सब कुछ बता दिया हूं। बाकी अभी इसकी प्राइस अगर मैं बताऊं ना तो 1499 यानी कि 1500 रुपए इसका अभी प्राइस चल रहा है, मैं 1500 की प्राइस में इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि भाई 1500 की प्राइस में आपको लो। देखो मैंने जब इसका अनबॉक्सिंग वीडियो किया था तब मैंने 999 से ऊपर की प्राइस में आपको लेने से मना किया था कि भाई 999 से ऊपर का अगर प्राइस हो तो ना लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता था कि भाई इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा बढ़ेगा, और अभी जो प्राइस आया ना वो 1500 रुपए इसका चल रहा है, क्योंकि भाई होल सेलिंग प्रोडक्ट था, 15,000 समथिंग यूनिट पहले दिन सेल हुए थे तो होल सेलिंग तो होगा ही, और 1500 रुपए इसका प्राइस अभी है, तो 1500 की प्राइस में मैं आपको नहीं बोलूंगा कि भाई आप इसको बाय कीजिए। अगर मेरे हिसाब से 1100 तक भी प्राइस आपको मिले ना तो 1100 तक भी आप इसको बाय कर सकते हैं, प्रोडक्ट अच्छा है कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आप इसको एक ओवर प्राइस कह सकते हो क्योंकि 1500 रुपए में आपको दूसरे ऐसे TWS मिल जाते हैं जिसमें कि गेमिंग कॉलिंग और सभी चीज आपको काफी तगड़ी मिल जाती है। तो भाई मे भी यहां तक आने के बाद में सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई कंफ्यूजन कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।